हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो आज चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज के बाद मैं फिर से आपको लेके आ चुका हूँ बुराड़ी की पॉपुलर बॉन्साई नर्सरी ग्रीन्स बुद्धा में। जी हाँ दोस्तों, हर वीक मैं ग्रीन्स बुद्धा में विजिट करता हूँ। मिलते हैं यहाँ पे नीतीश जी, जो कि आपको सिखाते हैं बॉन्साई बनाना, और साथ ही में काफी सारे प्लांट्स हैं इनके पास जिनके कलेक्शन अक्सर हमारे चैनल पे ही अपडेट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि नर्सरी के अंदर मैच्योर बॉन्साई को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या ट्रिक्स होती हैं और क्या टिप्स होती हैं आज नीतीश जी हमें बताने वाले हैं। तो एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करते हैं तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, तो वीडियो में बने रहेगा। अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहां भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियो के अपडेशंस मैं अपने इंस्टा पे अपडेट करता ही रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हे गाइस, तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिससे आप एक ब्यूटीफुल बॉन्साई बना सकते हैं जो कि देखने में काफी मैच्योर होगा और मोटा होगा। फिलहाल हमारी मेन गलती होती है जब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्साई बनाना, तो हम समझते हैं कि बॉन्साई सीधा जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक ट्रे में बनाते हैं। गाइस, ट्रे सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो मेन बॉन्साई बनाने की टेक्निक होती है वो एक पॉट से स्टार्ट होती है या सीधे जमीन में ग्रो करके बनाते हैं। तो जो भी आपके बॉन्साई शोज में आपने बॉन्साइज वगैरह देखे हैं जो कि मैच्योर दिखती हैं, उसमें ट्रंक लाइन बहुत अच्छा बन रहा होता है, एरियल रूट्स होती हैं, वो बॉन्साई ट्रे में ग्रो की हुई बॉन्साई बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले वो ग्रो या तो ग्रो ग्रोइंग पॉट में डेवलप किया जाता है, या फिर उसको लैंड से हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर उसको लैंड में ही उस टाइप से बनाया जाता है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ आपको बॉन्साई मतलब ट्रे की, तो इस टाइप का कुछ बॉन्साई ट्रे होता है जो कि काफ़ी शैलो होता है। गाइस, इसमें मिट्टी जो आप यूज़ करते हो काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी कम होती है। इस वजह से ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, इसके अंदर रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है, तो जो रिजल्ट आप चाहते हो आपको मिल नहीं पाता, जल्दी से मिल नहीं पाता, और टाइम लगने पे भी मिल नहीं पाता। तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही उस प्लांट को एक बॉन्साई ट्रे के अंदर डाल देते हैं, बॉन्साई पॉट के अंदर डाल देते हैं। तो मेन जो मैं आपको सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से हम बॉन्साई डेवलप करते हैं और किस तरह से बॉन्साई की जो ट्रंक लाइन है उसको मैच्योर लुक देते हैं और उसको थिकन करते हैं, मोटा करते हैं। तो मेन सीक्रेट मैं आपको रिवील करता हूँ, जिस तरह से मैं आपको अपने फार्म में ग्रो करता हूँ एक बॉन्साई को बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे अगर आप देखें तो मैंने माइक्रोकार्पा के प्लांट्स लगाए हुए हैं। गाइस, ये सारे बॉन्साई मटेरियल हैं, बॉन्साई बनाने के लिए रेडी हैं, काफ़ी बुशी हो रखी हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, इनकी डेवलपमेंट काफ़ी विग्रस है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मैं इसको बहुत जल्दी टाइम पे एक बॉन्साई में डेवलप कर पाऊँगा, क्योंकि इस पूरे प्लांट को मैंने एक बड़े पॉट में डेवलप किया है, बड़े पॉट में लगाया है। इससे क्या होगा, इसका जो ट्रंक लाइन, मेन जो ट्रंक लाइन आप देख रहे हो, बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा। तो जितने भी प्लांट्स मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं या तो सब मैंने पॉट में लगा रखे हैं, मैक्सिमम जो प्लांट्स आप देखोगे सारे पॉट्स में है, उसके बाद ये एक बॉन्साई पॉट के अंदर शिफ्ट किए जाएंगे और इसकी जब जो ट्रंक लाइन है, रूट स्ट्रक्चर है, काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बेड की, तो ये फाइकस लिपस्टिक की प्लांट है। तो ये प्लांट कभी बहुत पतला सा सैपलिंग्स हुआ करता था, उसे मेरे को एक जल्दी से बॉन्साई में डेवलप करना था। गाइस, आपको सबको पता है कि प्लांट में जब हम उसको प्लांट को जब जमीन में लगाते हैं तो एक पर्याप्त मात्रा में उसको न्यूट्रिशन मिलता है, पानी मिलता है, और रूट्स को रूट्स की फैलाव होने के लिए, रूट्स की बढ़ोतरी के लिए, रूट्स की वृद्धि के लिए काफ़ी मतलब जमीन मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। तो इस प्लांट की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, काफ़ी जल्दी होती है, और ये इसका जो मेन आप जो ट्रंक लाइन देख रहे हैं, इसका जो फॉलियज देख रहे हैं, जो इसकी ब्रांचेस की डेवलपमेंट देख रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। जो प्लांट आप एक ट्रे में 4 साल लग जाएंगे बनने में, इस टेक्निक की मदद से आप सीधा एक रेनी सीजन के अंदर, जो आपका बरसाती मौसम होता है, एक बरसाती मौसम में उतना आपका ये बन जाएगा, मतलब 6 महीने में। अगर आपने लेट्स से अपने अप्रैल या फरवरी के महीने में मतलब स्प्रिंग सीजन में आपने इसको जमीन में लगाया है, बड़े पॉट में लगाया है, तो अगले बरसात तक आते आते तक ये प्लांट पूरा मैच्योर हो रखा होगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर। अगर यही चीज़ें 2 साल तक रखते हैं तो और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। 3-4 साल के प्रोसेस के अंदर ये प्लांट काफ़ी मोटा हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है, उस समय हार्वेस्ट करने में आपको मेन रिजल्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप प्लांट की डेवलपमेंट कर सकते हैं, बड़े पॉट के अंदर लगा करके या फिर जमीन में लगा करके। अगर आपका जमीन नहीं है तो आप सीधा बड़े पॉट में लगाओ, 12 इंची का पॉट होता है, 10 इंची का पॉट होता है, 14 इंची का पॉट होता है, मार्केट में बहुत बड़े
बड़े साइज के पॉट्स अवेलेबल हैं, या फिर आप बड़े साइज के ग्रो बैग्स यूज कर सकते हो। मैं और भी दिखाना चाहूंगा, ये प्रेमना का प्लांट है जो कि मैंने अभी जस्ट, इसको अभी ज्यादा समय नहीं हुए हैं, इस चीज को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेरे प्लांट्स हैं जो कि जमीन में हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आ गई हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट होती है इसकी। तो अब ये जो प्लांट है काफी जल्दी एक मैच्योर बॉन्साई का मैं इसमें लुक देने की कोशिश करूंगा। आने वाले बरसात का जो मौसम है उस समय तक मैं इसको एक बॉन्साई में डेवलप कर चुका रहूंगा। काफी अच्छा प्लांट है ये। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरा मेरा ये बहुत सारे कैजुरिनाक की बॉन्साई में यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर मैं इसको पॉट में डेवलप करता तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता, लेकिन मैंने इसको सीधा लैंड में या जमीन के अंदर मैंने इसको लगा दिया, जिससे कि एक जल्दी सा एक मोटा थिक प्लांट मिले एक आध साल के अंदर, दो साल के अंदर, क्योंकि पॉट के अंदर बहुत स्लो ग्रोथ होती है और जल्दी रिजल्ट, जल्दी इसके जो तने हैं थिक नहीं होते। ये सारा मेरा कैजुरिना का प्लांट है जो कि मैंने फार्म में लगाया हुआ है। अभी मैं सेम कैजुरिना का पॉट प्लांट दिखाता हूँ जो कि मैंने एक पॉट में लगा रखा है। इसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे जितने भी आप कैजुरिना देख रहे हैं सारे बॉन्साई बनने की प्रक्रिया में हैं। ये आने वाले समय में, हालांकि ये नर्सरी ट्रेनिंग पॉट्स हैं, तो इसका दो बेनिफिट होता है। इसके जब रूट्स इसके अंदर बाउंड हो जाते हैं तो रूट्स इसके नीचे से, एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं नर्सरी पॉट्स के अंदर, और इसका बेनिफिट ये है कि हम नर्सरी के अंदर नीचे ऑफकोर्स जमीन होता है, तो सारी रूट्स पॉट में बाउंड होने के बाद नीचे जमीन के अंदर चली जाती हैं, जिससे इस प्लांट को ग्रो करने में और अच्छा मदद मिल जाता है। तो इस तरह से हम बेनिफिट ले लेते हैं जमीन का, और ये प्लांट जो है काफ़ी जल्दी एक मैच्योर बॉन्साई में डेवलप हो जाता है। तो आने वाले ये रेनी सीजन तक, या फिर हम कहें जो अक्टूबर का मंथ होगा, उस समय तक काफ़ी एक मैच्योर बॉन्साई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेवलप करें। हालांकि ये काफ़ी छोटा पॉट है, 8 इंच पॉट है, लेकिन आप सीधा 12 इंच पॉट में लगाएं या 14 इंच पॉट में लगाएं तो इस टाइप का कैजुरिना की बॉन्साई बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेन उस समय प्रॉब्लम होगी रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पे हम बड़े पॉट से लेकर के निकाल करके इसको सीधा बॉन्साई ट्रे के अंदर शिफ्ट करें, तो सही समय जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस टाइप से करके जितने भी मेरे प्लांट्स हैं आपने देखे, इवन जेड हो, चाहे जितनी फाइकस की वैरायटीज हो, मेरे बहुत सारे रेन ट्रीज हैं जो कि मैंने पानी में, सॉरी लैंड के अंदर, जमीन के अंदर डेवलप किया हुआ है। सेल्टिस का पेड़ है, प्रेमना मैंने लगा रखा है, फाइकस लिपस्टिक है, फाइकस माइक्रोकार्पा की वायरिंग की है मैंने और जमीन में सीधा उसको लगा दिया है, जिससे कि प्लांट जल्दी से मोटा हो सके। तो इसी तकनीक की मदद से हम लोग गाइस अपने बॉन्साई को जल्दी से जल्दी मोटा कर पाते हैं और एक मैच्योर लुक दे पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये हमारा जो ट्रिक है जो कि हम अपने नर्सरीज में यूज़ करते हैं, आप पर्सनली अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं बड़े पॉट की मदद से, बड़े ग्रो बैग की मदद से। अगर आपके पास गार्डन है, जमीन है, तो वहाँ पे आप उगा सकते हैं। साल एक साल के अंदर काफ़ी मैच्योर बॉन्साई आपको मिल जाएगा खुद का डेवलप किया हुआ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज का वीडियो काफी स्पेशल रहा था। आपके पास कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करते रहिए, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके टॉपिक पे भी कवर कर पाऊं। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहां भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन मैं वहां पे अपडेट करता ही रहता हूं। मिलता हूं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।